गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन। विलयन में हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सांद्रता पद पढ़ रहे थे, यानी कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयाँ हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे, हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पढ़ चुके थे, आयतन प्रतिशत सांद्रता पढ़ चुके थे, द्रव्यमान आयतन से पढ़ चुके थे, ppm पढ़ चुके थे, ppb पढ़ चुके थे, ppm वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। ठीक, हम लोग जानते हैं मोलरता क्या होती है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए मोलरता। क्या हेडिंग लगाएंगे आप, मोलरता। ठीक है, मोलैरिटी होते हैं इसको, मोलैरिटी। ठीक, मोलरता क्या होती है, देखिए मोलरता ये भी एक क्या है, सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां हैं। ठीक, इससे भी सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। इसकी जो किसी भी विलयन की हम सांद्रता इसके रूप में कैसे निकालते हैं, मोलों के रूप में निकाला जाता है। किसी विलयन में कितने मोल उपस्थित हैं उसके आधार पर हम मोलरता निकालते हैं। तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि किसी विलयन के एक लीटर में, कितने में, एक लीटर में विलेय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसी को बोला जाता है मोलरता। ठीक, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विलयन के, किसी विलयन के एक लीटर में, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित, एक लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ, एक लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, एक लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई विलयन है हमारे पास, कितना विलयन होना चाहिए, एक लीटर विलयन होना चाहिए, तो उस एक लीटर विलयन में मोलों, जो हमारा विलेय पदार्थ घुला हुआ है उस विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं। ठीक, तो जितने मोल घुले होंगे उसी को बोला जाता है विलयन की मोलरता। एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक, आयतन कैसा होना चाहिए, लीटर में, इसको याद रखना है, आयतन हमेशा लीटर में होगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका मोलरता का फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक, देखिए मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। ठीक, और विलेय के मोलों की संख्या इसको लिखा जाता है, क्या लिखा देते हैं हम लोग, भार बटे अणुभार। मैंने आपको मोल नहीं पढ़ाए हैं, मोलरता पढ़ाने के बाद मैं आपको मोल भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोल आप जानते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों के लिए भार बटे अणुभार लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बटे विलयन का आयतन। ठीक, तो ये हो जाएगा विलयन का आयतन, किस चीज में, लीटर में, और जब इस लीटर को हम मिली लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से फाइनली जो मोलरता का फॉर्मूला आता है क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार मल्टीप्लाई, ये चीज जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक, 1000 बटे वी। अब ये वी जो है ये किस चीज में रखेंगे, हम एम एल में रखेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल में हमेशा एम एल में ही देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलरता का फॉर्मूला। ठीक,
कैपिटल एम बराबर बिले का ग्राम्य भार बटे बिले का अणु भार 1000 बटे आयतन मिलीलीटर में, ठीक है। तो ये हो जाती है क्या, मोलरता। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक न्यूमेरिकल लगाना है। अभी न्यूमेरिकल लगाने के बाद मैं आपको मोल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मोल निकालना सीखेंगे तभी आपको आगे वाली चीजें बनेंगी, ठीक है। तो मोलरता आपको इसका एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, इसके बाद मैं मोल निकालना सिखाऊंगा, फिर हम लोग आगे वाली चीजों को सीखेंगे, क्योंकि बिना मोल को निकाले हुए, बिना मोल का कॉन्सेप्ट सीखे हुए आप ये चीजें नहीं सीख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का एक मोल किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिलीलीटर जल में घुला है, 500 मिलीलीटर जल में घुला है, इस बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए, तो मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, मोलरता बराबर था विलेय के मोलों की संख्या, क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन, ठीक। आयतन किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या, स्पष्ट मोल ही दे दिए हैं, ठीक है। तो मोल कितने हैं, एक मोल है, ऊपर हम कितना रखेंगे, एक, ठीक। बटे में क्या रखेंगे, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, यहां पर किस चीज में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो विलयन का आयतन, ये जो आयतन दिया हुआ है कितना है, ये 500 मिलीलीटर है, ठीक। इसको हमें लीटर में चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं मिलीलीटर को लीटर में, 500 बटे 1000, ठीक। 1000 से हम क्या करते हैं, किसी भी मिलीलीटर को 1000 से भाग देंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसको हम लीटर में भाग चेंज करने के लिए इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 2 10, यानी कि 1/2 लीटर हो गया, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख दो, या फिर आप पूरा 500/1000 लिख लीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लीजिए 500, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमेशा मिलीलीटर में देता है, इसको आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/ के, ये पूरी चीज उठ के ऊपर चली जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो हम एक मान लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 500, ठीक। 500 से 1000 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि मोलरता कितनी आ जाएगी, 2 मोल प्रति लीटर, ठीक। ये हो गई इस वाले क्वेश्चन की हमारी मोलरता, ठीक। ऐसे मोलरता निकालेंगे। इसके बाद अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, इसको आप देखिएगा, ये सवाल है आपका, 5.8 ग्राम, ये अपना लिख लिया होगा। आपका एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
5.85 ग्राम NaCl को NaCl को 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर जल में घोला गया 250 मिलीलीटर जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मोलरता ही ज्ञात करनी है हमें इस वाले की। हाँ, मोलरता ही ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक, तो जब तक आपको मोलों की संख्या निकालना नहीं आता है, तब तक आप इसका ये वाला सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप सीधा डायरेक्ट जो लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था W अपॉन M 1000 अपॉन V वाला, वो लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है NaCl का भार। NaCl का भार कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, जल, जल का आयतन। ठीक, जल का आयतन कितना दे रहा है, 250 ml दे रहा है। ठीक, इतनी चीजें हमें उसमें दी हुई है। अब हमें निकालना है इसकी मोलरता, यानी कि मोलरता का फॉर्मूला आप लगाएंगे। मोलरता बराबर होता है विलेय का ग्राम्य भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे V। जब हम 1000 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ जो V होता है, ये वाला V हमारा हमेशा ml में ही होता है। ठीक, अब देखिए ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 5.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5.85 ही लगाएंगे बटे अणु भार। किसका अणु भार लिखना है हमें, NaCl का, विलेय का। तो अणु भार कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जब मैं आपको मोल निकालना सिखाऊंगा, उसमें आपको क्या करूंगा, अणु भार निकालना भी सिखाऊंगा। अभी आप देख लेना यहाँ पर कैसे निकालते हैं अणु भार। देखिए, इसमें Na और Cl दो परमाणु हैं, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, तो इसका सोडियम का परमाणु भार रखेंगे हम 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। इन दोनों को, जितने भी परमाणु होते हैं, उनका परमाणु भार लिख करके जोड़ दिया जाता है, उसी को बोला जाता है अणु भार। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा 8 और 3 2 5, 58.5 ये आ जाएगा इसका अणु भार। तो एम की जगह हम कितना रखेंगे, 58.5 मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1000 ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा रहेगा, अपॉन वी, वो भी ml में। ठीक है, अब इसको नहीं लीटर में चेंज कर देना, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो लीटर में ऑलरेडी चेंज हो गया है। यहाँ पर अब हम 250 लिखेंगे। ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, काट देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, देखिए ये क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 बचा यहाँ पर। इसको आप देखना कैसे कैंसिल करेंगे, नीचे एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर दो अंक के बाद दशमलव है, इधर एक जीरो बढ़ा लो तो दो अंक दोनों बराबर हो गए, तो दशमलव क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर 585, नीचे भी 585। ठीक, तो ये कितने, एक बार ये कट जाएगा और ये जीरो आपका इसके साथ में आ जाएगा, यानी 585 का जो हम 5850 में भाग देंगे तो 10 बार में चला जाएगा। ठीक, यानी अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर है 4 और नीचे है 10। ठीक, इतना ही बचा हुआ, और तो कुछ है नहीं। अब 10 का भाग जब 4 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.4। ठीक, इस तरीके से 0.4 के आगे जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो इसकी मोलरता आ गई इतने मोल, इतने एम। आप एम लिख सकते हैं या आप क्या लिखेंगे, मोलर लिखेंगे, मोलर। ठीक है, एम लिख सकते हैं या मोलर लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, मोलरता निकाली जाती है, किसी भी विलयन की मोलरता हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मोल आपको निकालना सिखाना है, क्योंकि जब तक आप मोल निकालना नहीं सीख पाएंगे तो इसके आगे जो चीजें आएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज आप निकालना बिल्कुल नहीं सकते, आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए आपको मोल सीखना जरूरी है। यहाँ मैं आपको मोलरता के बाद मोल सिखा दे रहा हूँ, मोल निकालना, इसके बाद नॉर्मलता पढ़ेंगे, फिर मोल प्रभाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप मोल कौन हेडिंग डालिएगा,
इसके मोलरता के और भी न्यूमेरिकल अभी आपको मैं एक स्पेशली न्यूमेरिकल वाली क्लास में कराऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको न्यूमेरिकल ही वहां पर कराऊंगा, यहाँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। आपके पास जो भी न्यूमेरिकल हो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं मुझे, ठीक। अभी आप क्या करना, आप मोल कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा पहले। आप हेडिंग लगाइए मोल, ठीक है, मोल सीखना आपको जरूरी है, ठीक। तो मोल क्या होता है, मोल कुछ नहीं होता है, सिर्फ किसी जो हमारा यौगिक होता है, ठीक, उस यौगिक का ग्राम में भार और उसके अणु भार का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिखना हो तो लिख लेना, किसी किसी यौगिक का ग्राम में भार, किसी यौगिक का ग्राम में भार तथा उसके अणु भार को, अणु भार के अनुपात को मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले आपको मोल सीखना जरूरी है, ठीक। आप लिखेंगे स्मॉल एन बराबर कितना, क्या हो जाएगा, आप पहले हिंदी में भाषा लिख लीजिए, मोलों की संख्या बराबर, आप ऐसे लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे आप, ग्राम में भार, ग्राम में भार किसका, जो भी यौगिक हमारे पास दिया होगा, जो भी यौगिक होगा उसका ग्राम में भार कितने ग्राम दिया हुआ है, और नीचे क्या लिखेंगे, उसका अणु भार, उस यौगिक का अणु भार, ठीक। तो इस तरीके से हमारा मोल निकल आता है, यानी इसको हम लिखेंगे n इज इक्वल टू ग्राम में भार यानी कि w और नीचे हो जाएगा अणु भार, ठीक। इस तरीके से ये मोल निकाले जाते हैं, ठीक है। तो मोल निकालना पहले आपको सीखना है, क्योंकि मोल निकालना आप नहीं सीखेंगे तो आगे की चीजें आपको नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ग्राम में भार बटे अणु भार ये होता है मोल, ठीक। अब आप निकालेंगे कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, और इसमें पहले एक चीज देखिए, अगर किसी भी यौगिक का ग्राम में भार उसके अणु भार के बराबर है तो मोलों की संख्या हमेशा एक आती है, ठीक। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, कैसे समझेंगे, पहले आप लिख लीजिए इसको, आप नोट में लिख करके लिख लीजिए, ठीक है, आप एक नोट लिखिए, किसी यौगिक का ग्राम में भार, किसी यौगिक का ग्राम में भार यदि उसके अणु भार के बराबर है, तो मोलों की संख्या हमेशा एक होती है, मोलों की संख्या हमेशा कितनी होती है, एक होती है। आप ये नोट लिखिए, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगा कि हमेशा एक कैसे होती है। यदि किसी भी यौगिक का ग्राम में भार उसके अणु भार के बराबर है तो एक ही आएगी मोलों की संख्या, ठीक है। आप इतना लिखिएगा, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए आप एग्जांपल में आप सबसे पहले लिखेंगे कि 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे हम मोलों की संख्या के लिए, मोलों की संख्या बराबर
ग्राम में भार बटे उस यौगिक का अणु भार। तो n बराबर ग्राम में भार कितना दिया, जल का 18 ग्राम दिया हुआ ना, तो ऊपर लिखेंगे हम 18 और नीचे हमें क्या निकालना है, अणु भार। किसका अणु भार निकालेंगे, जल का। इधर मैं आपको सिखा रहा हूं जल का अणु भार निकालना। H2O का अणु भार आप ध्यान से देखना, मोर कॉन्सेप्ट यहां आप सीख जाएंगे, ठीक है। H2O का अणु भार कैसे निकालेंगे, इसमें कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है ना, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखना है। जितने भी परमाणु होंगे उनका क्या लिखेंगे हम, परमाणु भार लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, तो हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक। इसके बाद प्लस लगाएंगे, जब एक परमाणु का परमाणु भार लिख जाता है तो उसके बाद प्लस लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें उन सबको जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखने के बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, ठीक। अगर किसी को परमाणु भार पता नहीं है तो परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, और जो परमाणु भार होते हैं वो परमाणु भार का लगभग दो गुना ही होता है, दो गुने से कम कभी नहीं होता है, दो गुने से ज्यादा होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन का लिख गया, ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे हम, 16, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 + 16 यानी कितना आएगा, 18। तो H2O का अणु भार कितना आ गया, 18 आ गया। ये देखिए ग्राम में भार 18 और अणु भार भी 18, तो 18 से 18 कैंसिल होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1 मोल, ठीक। मैंने आपको नोट में क्या लिखाया था, यदि किसी पदार्थ का, किसी यौगिक का ग्राम में भार उसके अणु भार के बराबर है तो मोलों की संख्या हमेशा 1 आती है, ठीक। अणु भार इसका 18 है, ग्राम में भार भी 18 है, तो कितना आएगा, मोल हमेशा 1 आएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप लिख सकते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यदि मैं बोलूं कि 98 ग्राम H2SO4 में 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। कितने ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 में है, मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो ग्राम में भार तो दिया है, ये क्या है, ये हमारा स्मॉल डब्ल्यू तो दिया है इसमें 98 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमारे पास m नहीं है, m हमें क्या करना है, निकालना है। m निकालने के लिए हमें यौगिक दिया हुआ है ना, ठीक, इसका हम निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, फिर प्लस लगाएंगे। सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो परमाणु भार हो जाएगा कितना, 32। तो सल्फर के लिए हम कितना रखेंगे, 32 रखेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, O के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 है, सल्फर तो एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 4, तो इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये 2 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 64, ठीक। अब इन सबको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, देखिए 4 × 2 = 6 और 2 = 8 + 6 = 3 = 9। ये देखिए अणु भार कितना आ गया, 98, ग्राम में भार कितना है, 98, ठीक। अणु भार भी 98, ग्राम में भार भी 98, तो मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1 ही आएगी। आप निकाल लीजिए, n बराबर w का मान 98, m का मान 98, इसको कैंसिल करेंगे, 98 + 98 1 ही आएगी, ठीक। तो किसी भी यौगिक का यदि ग्राम में भार उसके अणु भार के बराबर है तो मोलों की संख्या हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। और एक मोल में उस पदार्थ के, उस यौगिक के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10³³ होती है, इसे बोला जाता है एवोगैड्रो संख्या। ये सब कुछ आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, किसी किसी यौगिक, किसी यौगिक के एक मोल में, किसी यौगिक के एक मोल में
6.02 गुणे 10^23 अणु, 6.02 गुणे 10^23 अणु होते हैं। इसे इसे एवोगैड्रो, इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक, तो किसी भी यौगिक के एक मोल में हमेशा कितने अणु होंगे, 6.02 गुणे 10^23 होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आया हो आप कमेंट करिए, क्योंकि बिना मोलों की संख्या निकाले आप मोल प्रभाज कभी नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोलों की संख्या निकालना। इसके बाद हम लोग ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं या इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नॉर्मलता वगैरह और मोल प्रभाज निकालना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप मोल निकालना सीखिएगा। ओके, मोलरता मैं आपको दोबारा न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें करा दूंगा, लेकिन मोल निकालना आप सीख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।